Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना बेकाबू, केसेस 1 लाख से बढ़ गए, मजीद 65 अफराद वायरस से जां बहक। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना का शिकार। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह इस वबा से फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों में पुलिस ने भरपूर किरदार अदा किया है। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला मखदूश इमारत जमी बोस, 4 अफराद जहां बाहक, 13 जख्मी। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,03,671 तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,03,671 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 65 अफराद जां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,067 हो गई। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना के वार से ना बच सके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487, बलूचिस्तान में 6,516, गिलगित बल्तिस्तान में 932, इस्लामाबाद में 5,396, आज़ाद कश्मीर में 396 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन और साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आ जाने के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी अपनी रिहाइशगाह में क्वारंटीना में चले गए। मुल्क में तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से किए जाने वाले लॉकडाउन पर अमल दरामद कराए जाने में पाकिस्तान भर में पुलिस के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह इस वबा से फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों में पुलिस ने भरपूर किरदार अदा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वबाई मर्ज कोरोना के पाकिस्तान में फैलने की शुरुआत से ही और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान भी हमारी पुलिस के जवान बगैर मास्क और किट के अपने फराज़ सरंजाम दे रहे हैं और कई आला अफसरान कोरोना की वबा का शिकार हो चुके हैं, जिसमें लाहौर और कराची पुलिस के DSP भी शामिल हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज़िया एवान ने कहा कि गवर्नमेंट को जो बाकी जो ज़ाहिर पैरामेडिक्स वैसे ही रो रहे हैं कि उनको वो पूरी सहूलतें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन पुलिस का भी बहुत बुरा हाल है। पुलिस के पास कोई प्रोटेक्शन, उनके अपने प्रोटेक्शन के हवाले से हमने उनको कोई सहूलतें उस तरह से नहीं दी हैं। पुलिस फोर्स में इस वबा के बुरी तरह फैलने के वाकयात के बाद हुकूमत ने हाल ही में पुलिस फोर्स के लिए मास्क, दस्ताने और किट्स फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस वाले बिना मास्क और हिफाजती वर्दी के ड्यूटी देते नजर आते हैं। इंसानी हकूक की माहिर फौजिया तारिक ने बताया कि प्लीज़ जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनकी सेक्रीफाइसेस को अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ की डेथ भी हो चुकी है, कुछ रिकवर भी हो चुके हैं और कुछ स्टिल अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं।
फ्रंट लाइन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस के सिपाही और अफसरान का चूंकि आवाम से बराए रास्त रब्ता है और कोई नहीं जानता कि कौन कोरोना वायरस का मरीज है, पुलिस को बिना हिफाजती सामान के ड्यूटी देना अपने आप को खतरे में डालने से कम नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको मास्क देना, उनको आप रेगुलर कैसे कपड़े देंगे, किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके हाथ धोने का, आप सारा दिन टीवी रेडियो में लगा होता है कि हाथ धोएं हाथ धोएं, वो जिस जगह वो ड्यूटी पर होते हैं वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आज मुल्क में रोजाना 5,000 केसेस मुस्बत आ रहे हैं जिनमें मरने वालों की तादाद 2,000 से तजावज कर चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि पुलिस फोर्स को जल्द से जल्द हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल करें, अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। मुल्क में जुलाई अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक सूरतेहाल से कौम को आगाह करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि ये फ्लू है इसलिए SOPs पर अमल नहीं करते। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस अमल से हम सब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। मास्क ज़रूर पहने, मास्क की वजह से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है, इसलिए सबसे पहले तो आप सब मास्क पहन के निकले। इमरान खान का कहना था कि कोशिश है कि कोरोना कंट्रोल में रहे ताकि अस्पतालों पर दबाव ना पड़े। सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है, लॉकडाउन के असरात मईशत पर पड़ते हैं। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, लोगों के घरों में भूख है। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन के जो असरात आपकी माशियत पे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब वायरस ख़त्म नहीं होगा, लॉकडाउन करके वायरस के फैलाव को कम करना है, अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, सिर्फ एहतियात से मुश्किल वक्त से बचा जा सकता है। मुल्क में जुलाई अगस्त में कोरोना केसेज उरूज पर होंगे। इमरान खान का कहना था कि कोई मुल्क ज़्यादा देर तक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मईशत भी चलानी होती है। अमरीका ने भी लॉकडाउन खोल दिया जहाँ पर 1,00,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 से ज़ायद बेड्स जिनमें ऑक्सीजन होते हैं सारे पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। इसके ऊपर आज ही हमने फैसला किया, काम तो पहले से हो रहा था, ताकि ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है लोग की दफा घबरा जाते हैं कि बेड्स नहीं हैं, वो इंशाल्लाह 1,000 और बेड्स हम सारे पाकिस्तान में ले आएंगे। लियारी खड्डा मार्केट के करीब जमी बोस होने वाली इमारत में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने पर मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई जबकि 13 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियारी खड्डा मार्केट के करीब जमीन बोस होने वाली इमारत में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 4 अफराद की लाशें और 2 पुलिस अहलकारों समेत 13 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमारत गिरने के वाक़े पर इंक्वायरी होगी, जो इदारा गफलत में मुलव्वस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुतासर अफराद के मुताबिक हमारे बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं, हुकूमत मुतासर खानदानों की इमदाद करके मुतबादल जगह फराहम करे। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा सकेगा। एक मुतासर शहरी का ज़राए अबलाग़-ए-आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दोपहर 3 बजे से ये बिल्डिंग मूव होना शुरू हो गई थी और जो लोग मूव जब हुई तो कुछ समझदार लोग थे जो बेचारे अपना सामान ले जा सकते थे, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे वो जा चुके, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, कुछ चीज़ें रह गई, तो वो जो चीज़ें लेने गए दोबारा तो वो लोग बेचारे मलबे तले दब गए। 8:30 बजे ये बिल्डिंग मसमार हुई है, 8:30 बजे झटके से गिरी है ये बिल्डिंग। एक और शहरी का कहना था कि मैं आखिरी पंचवीं मरी पे मैं रहता हूँ ना, इतनी अंदाज़ा है कि उसमें भी 2 बंदे रह गए, बहन भाई बलोच है, नीचे जो है ना 2 मियाँ बीवी है, वो भी मेरे अंदाजे से कि रह गए थे और भी थे लोग थे इसमें काफ़ी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।
subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए. किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, Tag TV अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता. आपका तावन भी हमें चाहिए. Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे.